एक जवान को किससे भागना है और किससे पीछा करना है, किस चीजों से भागना है और किस चीजों का पीछा करना है, ये बात बाइबल हमको बताएगा। बाइबल बताती है कोई तेरी जवानी को तू सुना जा जाने। याद इस बात को हम ध्यान करेंगे तो आज कई सारे जवान का जीवन में कई सारे दाग लगे हैं। कोई तो व्यभिचारी के नाम से जाना जाता है, कोई तो चोर के नाम से, कोई तो डकैत के नाम से। शैतान युवाओं को, जवानों को बहुत इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि शैतान को मालूम है, शैतान जानता है। क्योंकि जब एक व्यक्ति जवान के समय में खराब हो जाए, उसका जीवन नाश हो जाए, उसका हर एक परिचय बिगड़ जाए, तो वो जानता है बाद में वो कुछ काम में नहीं आएगा। इसीलिए बाइबल हमको एक बात बताता है कि तेरा जवान को कोई तुझ ना जाने। तुझ जानने का यानी कि हमको कोई रिजेक्ट ना करे, हमारा चाल चलन, हमारा बातचीत, हमारा हर एक चीजों में, उठना बैठना, हर एक एरिया में हमको कोई रिजेक्ट करने ना पाए। हमारा दोस्त यारा जो कोई भी लोग हो, यदि वे आपको रिजेक्ट कर रहे हैं तो जान लो आपको तुझ जानते हैं। अपना जीवन को ऐसा ना बनाए कि आपको लोग तुझ जाने। मेरे जवान भाई और बहनों, में आपको कहना चाहता हूं कि ऐसा जीवन जिए कि लोग आपका जीवन में मसीह को देखे, कि ऐसा जीवन जिए कि आपका जीवन को लोग पवित्र आत्मा की वो ताकत का अनुभव करने पाए। आज लोग वचन पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, वचन भी सुनते हैं, लेकिन वे अपना पाप में लग लेते हैं। चर्च भी जाते हैं, कलीसिया भी जाते हैं, वे सोचते हैं इस साल नहीं, दूसरे साल से मैं नए सिरे से स्टार्ट करूंगा, ऐसा ही कहते हैं। लेकिन कई सारे साल बीत जाता है, लेकिन वे अपना जीवन मसीह को नहीं देते हैं। अपना जवानी को कोई तुच्छ ना जाने। बाइबल में लिखा गया पहला तीमुथी, उसका पहला तीमुथी उसका चार और उसका बारह में यहाँ पे लिखा गया, ऐसा लिखा गया, कोई तेरी जवानी को तुझ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। आज मैं हर एक मसीह जवान को पूछना चाहता हूं कि आज आपका जीवन में लोग मसीह को देखते हैं क्या? आप एक आदर्श बने हैं क्या? हमारा जीवन से कोई सीख पाता है? लेकिन बाइबल बताती है कि तेरी जवानी को कोई कोई सुना जाने, क्योंकि जवान जवानी के समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज बहुत सारे लोग कहीं सारे गलत संगति में मिलके दारू पीते हैं, एस करते हैं, हाँ बहुत सारे गलत चीज को भी करते हैं और उनका जीवन को बर्बाद कर देते हैं। आज बहुत सारे लोग सेक्स में लिपटे हुए हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। मैं आपको कहना चाहता हूं आपको थोड़ा सा आनंद मिलेगा, लेकिन आपका संपूर्ण जीवन बर्बाद हो जाएगा। इस सब चीज आनंद देगा, लेकिन थोड़े दिन के लिए, थोड़े ही समय के लिए आपको आनंद देगा, लेकिन ये आनंद नहीं रहेगा, पर आपका जीवन में शम दुख ही दुख रहेगा। इसलिए हमारा जवानी को हम बचा कर रखे। यदि आप एक जवान हैं तो मैं आपको कहना चाहता हूं आपका जवानी को बचा कर रखे। Keep shape because Satan is against you,
शैतान आपके विरुद्ध में है और कहीं सारे जाल को बिछाया है कि इसको कैसे मैं जवानी में नष्ट कर दूं, इसका जीवन बर्बाद हो जाए, ए कहीं काम पर ना आए। इसलिए पौलुस ने तीमोथी को और एक बात कहा कि तू जवानी की अभिलाषाओं से भाग। यदि हम पढ़ेंगे दूसरा तीमोथी उसका 2 उसका 22 में यहाँ इस तरह लिखा गया, मैं पढ़ना चाहता हूँ, जवानी की अभिलाषाओं से भाग, ये भागने के लिए कहता है परन मिलने के लिए नहीं। आज कई सारे लड़का लड़कियों के पीछे भागते हैं, वे पीछे भागते हैं और लड़की को मिलने के लिए वे उनका संपूर्ण ताकत भी लगा देते हैं और कहीं सर लड़की लोग भी लड़का लोगों के पीछे भागते हैं। कोई तो पैसा के पीछे, कोई तो नशा के पीछे, ऐसे लोग भागते हैं। लेकिन पौलुस तीमोथी को तीमोथियुस से एक इंपोर्टेंट बात कहते हैं कि उससे ना मिल बल्कि उससे से भाग, जवान की अभिलाषाओं से भागो, क्योंकि जवान की अभिलाषाएं लोगों को नाश कर सकता है, लोगों को नष्ट कर सकता है। इस जवानी का अभिलाषा लोगों का जीवन को बर्बाद कर सकता है। इसीलिए पौलुस को अच्छी तरह से मालूम था कि यदि तीमोथी उस जवानी की अभिलाषाओं में डूब जाएगा तो आगे के पूरा काम कर नहीं पाएगा। इसीलिए तीमोथी को पौलुस ने कहता है भागने के लिए बरम साइड मारने के लिए नहीं, उसके आसपास खड़े रहने के लिए नहीं, जैसे एक विक्टिम और एक चोर जैसे पुलिस को एक पुलिसमैन को देखते हैं दौड़ता है भागता है, सामने क्या है वो नहीं देखता है। वैसे ही एक युवा को अपनी अभिलाषाओं से भागना है, लस्ट से भागने के लिए कहा गया, सेक्सुअल डिजायर से भागने के लिए कहा गया, आंखों की अभिलाषाओं के लिए भागने के लिए कहा गया। मेरे जवान भाई और बहनों, यहां पे और लिखा गया, यदि कोई जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। जवान का अभिलाषाओं से भाग कर पौलुस तीमोथी को एक पीछा करने की बात कह रहे हैं। वो कैसा लोगों को हमको पीछा करना है, कैसा लोगों के साथ बैठना है, कैसा लोगों के साथ मेल मिलाप करना है, उस बात को भी यहाँ पे कहते हैं। और लिखा गया उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम मेल मिलाप का पीछा करना। जो प्रेम में है, जो विश्वास में बढ़ते हैं, ऐसा लोगों के साथ मेल मिलाप कर, उनके साथ रहने के लिए कोशिश कर, क्योंकि तुझे बहुत सारे कामों को करना है। मेरे युवा भाई और बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूं कि ऐसा संगति ना करे जो संगति आपका जीवन को बर्बाद कर देगा। हो सकता है आपका दोस्त यारा जो कोई भी है उसे ना मिले, वरन बाइबल बताती है एक युवा को किसको पीछा करने की आवश्यकता है और किससे भागने की आवश्यकता है। उस बात को हमको बाइबल ने सिखा दिया कि अपनी जवानी की अभिलाषाओं से भाग, जवानी की अभिलाषाएं, जो जो आपको करने की इच्छा है, शारीरिक इच्छा है, वो शरीर में जो कुछ भी दिखाई देता है उसके पास ना रहने के लिए बाइबल बताता है, बल्कि उससे भागने के लिए और इससे पीछा करने के लिए कहता है। जो विश्वास से आगे बढ़ते हैं, जो विश्वास का चीज है, जो शुद्ध मन से चलते हैं, जो सदैव प्रभु के साथ चलते हैं, ऐसे लोगों का पीछा कर और ऐसे लोगों से मेल मिलाप करने के लिए एक युवा को परमेश्वर से वचन सीखा जाता है, क्योंकि हर एक युवा के लिए परमेश्वर ने योजना बनाई है। God has a bright future for your life, my baby. मैं आपको कहना चाहता हूं परमेश्वर के पास एक bright future आपके लिए है। इसलिए आप जवानी को नष्ट ना करें। हो सकता है आपको अच्छा लगता होगा, लेकिन जो कुछ भी कॉस्ट पड़े, जो कुछ भी मूल्य देना पड़े, उससे आप बाहर आए। उड़ाउत्र को आप जानते ही हैं कि वो चला गया इस जिंदगी की, लेकिन अंतिम में उसका रिजल्ट क्या हुआ,
एक अच्छा संतान के रूप में था जब उसका पिता का साथ था, लेकिन उसका पिता से जब दूर चला गया, उसका आइडेंटिटी चेंज हो गया, उसके पास कोई नहीं है। मैं आपको कहना चाहता हूं, यदि हम इस संसारिक वस्तुओं पे मन लगाएंगे और अपना जवान को हम नष्ट करेंगे, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, उस समय आपके साथ कोई नहीं रहेगा, ना आपका गर्लफ्रेंड, ना आपका बॉयफ्रेंड, ना इस जवानी का दोस्त यार, कोई भी नहीं रहेगा, लेकिन आप अकेला लड़ जाएंगे। इसीलिए आपका जीवन नाश ना करे, इसीलिए आप पाप में डूबे ना रहे, पर लौट आए। यदि आप ऐसे जगहों में परिस्थितियों में फिर भी है, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, यदि ऐसे डूबे हुए चीज में है, यदि आप गलतियां में गलतियां करते जा रहे हैं, यदि उस अभिलाषाओं में फंसे हुए हैं, जैसे कि सेक्स, जैसे कि व्यभिचार, जैसे कि नशा, जो उस चीज में आप डूबे हुए हो और निकलना चाहते हो फिर भी निकल नहीं पा रहे, मैं आपको कहना चाहता हूँ, के पास लौट जाओ, आपके लिए हाथ फेरे फेरे उठाएंगे। उसका बात का 16 नाम है कि तुम आत्मा के चलाए चलो तो तुम सारे अभिलाषाओं को भूल ना करोगे। यदि आपका शारीरिक अभिलाषाओं से मुक्त होना है, यदि आप चाहते हो कि मैं इस शारीरिक अभिलाषाओं से, इस शारीरिक अभिलाषाओं से, इस शारीरिक अभिलाषाओं से मुक्त पाऊं, तो पौलुस कहते हैं कि आत्मा के द्वारा चलो। जो कोई भी व्यक्ति आत्मा के द्वारा चलता है, वो कदापि शारीरिक अभिलाषा पूर्ण नहीं करेगा, क्योंकि वो शारीरिक ना रहा वरन वो आत्मिक हो जाएगा, वो आत्मिक हो जाएगा, क्योंकि उसके पास ताकत आएगा, उस पवित्र आत्मा उसको ताकत देंगे, पवित्र आत्मा गाइड करेंगे, पवित्र आत्मा सिखाएंगे कि उसको कैसा जीवन जीना है, उसको कैसे चाल चलन चलना है। जो कुछ भी गलतियां आपका जीवन में हुआ है, चाहे आपका पाप लाल रंग का क्यों ना हो, आप लौट आइए और कहिए उड़ाओ पुत्रों के समान, हे पिता तेरे विरुद्ध और परमेश्वर का विरुद्ध मैंने पाप किया है, मुझे क्षमा मांग। तो उस पिता ने आपको दोष नहीं दिया, आपका गलतियां को नहीं छुआ, लेकिन गले लगाने के लिए आपको रहा है। कब मेरा बेटा लौट आएगा, कब मेरा बेटियां लौट आएंगी, वो आपको रिजेक्ट नहीं करेगा, पर मन हक करेगा, ऐसा हमारा परमेश्वर। लेकिन आप लौट आइए, इस चाचा को छोड़िए, यदि कोई सा भी गलती हुआ तो आप लौट आइए, और कोई यदि किसी भी गलती नहीं है तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप प्रभु में और बढ़िए, प्रभु में और आगे जाइए, प्रभु में और संगति में बढ़ते जाइए, प्रभु आपका आशीष देंगे। आज आप कई सारे न्यूज, कई सारे आप चीजों को आप सुनते होंगे कि जवान का अभिलाषा उनका जीवन से अभी तक नहीं गया है, उनका आयु यानी उनका एज तो 50-45 साल है, लेकिन उनका शरीर में आज भी उस जवान का अभिलाषा पाया जा रहा है। इसलिए पौलुस कहते हैं कि उस जवान का अभिलाषा उससे भागा और मेल मिला विश्वास और धार्मिकता का पीछा कर विश्वास से आगे बढ़ो, ये बाप को कह रहे हैं। फिर से मैं आपके लिए बढ़ना चाहता हूं, और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जाओ, हमेशा जीवन जिए कि हर एक के लिए आदर्श से रह रहे, जैसे तीमोथी के समान विश्वास लोगों के लिए आदर्श बन गया है और ढेर सारे लोगों का लीडर बन गया है। यीशु के समान एक आदर्श हम बन जाए, एस्तेर के समान, नेहमाया के समान हम आदर्श बन जाए, हमारा यीशु मसीह के समान हम आदर्श बन जाए। यीशु ने जवान के समय में कोई गलती नहीं किया, बल्कि जगत में आया पवित्र जीवन व्यतीत किया,
वही हमारा लीडर, वही हमारा आदर्श। जो कोई उसको पीछा करेगा और जो कोई उसका मार्ग पर चलेगा उसका जीवन धन्य हो जाएगा। ये जो लाइन करता है उसका जीवन लाइन लाइन चलता है। जो कि उस बचन को हाईलाइट करता है उसका जीवन को प्रभु हाईलाइट कर देते हैं। जब जो कोई व्यक्ति प्रभु को पुकारता है तो परमेश्वर उसको ऊपर उठाता है। मेरे भाई भाई बहनों आप प्रार्थना करें। जब आप प्रार्थना करोगे घुटनों में आओगे तब अपना जवानी की अभिलाषाओं से आप मुक्त हो पाओगे। बचन को पढ़िए, बचन के अनुसार चलिए, इस वचन से आप छुटकारा पाओगे। मैं जानता हूं क्योंकि हम एक जवान हैं। इस जवानी की परिस्थिति में अभी भी पाया जाता है कि एक जवान का माइंड में क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता है, हर एक चीज हमको मालूम है। आपका माइंड बैटल फील्ड है, आपका माइंड में कई सारे गलत थॉट्स, कई सारे गलत भावनाएं आएंगे, लेकिन एक जब आप प्रार्थना करोगे, जब आप वचन को मनन करोगे, आपका माइंड वॉश हो जाएगा, आपका माइंड क्लीन हो जाएगा, क्योंकि प्रभु का वचन ऐसा सामर्थ्य है और आपका जीवन को ऐसा बनाए कि आपको कोई दुष्ट ना आ जाए। ये अपने आप बन नहीं सकता, आदर्श का जीवन कोई बना नहीं सकता, केवल यीशु बना सकता है। आदर्श का जीवन जीने के लिए, आदर्श का जीवन चाल चलन चलने के लिए कोई दूसरा किताब आपको बता नहीं सकता, ना कोई लिखा हुआ पुस्तक आपको दे नहीं सकता, लेकिन एक पुस्तक है जो कि पवित्र बाइबल है, उसी बाइबल आपका जीवन को पवित्र बनाएगा। लिखा गया पवित्र बाइबल, जो कोई इसको पढ़ेगा, जो कोई उसको मनन करेगा, जो कोई इस बाइबल को ध्यान करेगा, उसका जीवन पवित्र हो जाएगा। मेरे जवान भाई और बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूं, ऐसा जीवन आप ना जिए कि आपको कोई तुझ जाने, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बुलाया है। परमेश्वर ने आपको प्रेम करता है, परमेश्वर ने हद से ज्यादा आपको प्रेम करता है, जान देकर आपको प्रेम किया है कि दूसरा प्रेम के पीछे ना भागे, कोई दूसरा खराब चीजों के पीछे ना भागे और आपका जीवन को नाश ना करे, बल्कि आपका जीवन के लिए परमेश्वर के पास योजना है।